मुंगेर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 5 मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेरू दियारा में हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन अवैध फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में हथियारों का निर्माण कार्य किया जा रहा था। समय मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दियारा क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए जिला पुलिस की तकनीकी सेल की टीम के द्वारा मुफस्सिल थाना के सहयोग से 5 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। उसमें 4 अर्धनिर्मित पिस्टल, 4 अर्धनिर्मित मैगजीन, 5 मिनीगन फैक्ट्री का सामान जिसमें 5 बेस मशीन, 1 हैंड ड्रिल एवं अन्य सामान है मशीन हथियार बनाने का। इस छापेमारी में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है उमेश यादव पिता प्रीतलाल यादव साकिन हीरू दियारा एवं सुबोध यादव पिता वासुदेव यादव साकिन हीरू दियारा। इसके अलावा 5 अज्ञात अपराधकर्मी भागने में सफल हुए। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 29 दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस बड़ी कामयाबी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है, लेकिन मुंगेर में अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर उनके गैंग के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई। इस अवसर पर मैं जिले के सभी वासियों से अपील करूंगा कि जिले को स्वच्छ एवं साफ सुंदर रखें, स्वच्छ भारत सुंदर भारत की परिकल्पना को साकार करें और साथ ही साथ यातायात नियमों को दृढ़ता से पालन करें। हेलमेट पहन के जरूर चलें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सारे सुरक्षा नियमों को रखेंगे तो उनके जीवन जो है वो जीवन सुरक्षा बनी रहेगी। थैंक यू।